वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का हमारा व्लॉग है ये उमर मारवी के नाम पे, जो कि ये एक पुरानी बहुत ही पुरानी कहानी है जो शाह अब्दुल लतीफ ने भी अपने गीतों में शाह जो रिसालो जो है उसमें बयान करी है। तो ये आपको मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगा और ये इसकी लोकेशन क्या है आप ये बताऊँगा। तो ये जनाब ये मारवी का कुआं, तो ये पुराने ज़माने में जिस टाइम में उमर मारवी का जो टाइम था उस ज़माने से इसमें से पानी भरा जाता था और इस तरीके से आज भी लोग पी रहे हैं इसमें। ये मारवी का कुआ है, तो ये मारवी ये भालवा इलाका है यहाँ पर। तो यहाँ से पुराने ज़माने में की बात करते हैं जब उमर बादशाह ये उमरकोट पे राज करता था और ये इलाके पे पूरे इलाके पे इसकी हुकूमत थी। तो उसको किसी ने कानों कान खबर दी कि भाई ये मलीर इलाका, ये मलीर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको किसी ने बोला कि इसमें एक कोई खूबसूरत लड़की रहती है, इतनी खूबसूरत है कि जो आपको क्या बताऊँ। तो उमर बादशाह ने क्या करा, अपना वेश बदल के फकीरों के वेश में आए अपने इधर ये कुएं पे, ठीक है। जो वहाँ पर ये पानी भर रही थी, उसने उमर बादशाह ने ऐसे कहा कि मुझे पानी पिलाओ, ठीक है। तो वो पानी पिलाने के बहाने उसको पकड़ के उमरकोट वहाँ पर जाके कैद रखा उसको, मतलब पता नहीं कितने महीने कैद रखा उसको। और उसको पता नहीं कितने कितने दिलासे दिए कि मुझसे तुम शादी करो, ये करो, वो करो। पर उमर मारवी ने हमेशा उसको जवाब दे दिया, ठीक है। हमेशा वो उसके जो बोलते हैं उनको ठुकराती रही, बोला मैं हूँ तो अमानत खेत की हूँ, जो खेत उनके कोई गांव का था जिससे उसकी मंगनी हुई पड़ी थी, ठीक है, पहले से ही। तो उसने ये बोला मैं खेत की अमानत हूँ, मैं बादशाह की हुकूमत में नहीं रहूँगी, मैं फ़कीर ने वेश में भी जाके वहाँ पर रहूँगी, बाकी उसमें नहीं, ज़मींदारों में मैं नहीं जाऊँगी, जैसे ये बादशाह की मैं नहीं जाऊँगी। तो उसने इस तरीके से उसको ठुकरा दिया और आखिरकार चलते 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 आखिरकार उमर बादशाह ने अपनी हार मानकर मारवी को अपने वतन वापस के लिए छोड़ने खुद आए और फिर वही खेत से जो उनकी पहले मंगनी हुई थी उन्हीं से उनकी शादी खुद ने करवाई, अपनी बहन बनाकर उससे शादी करवा दी। जमाने के ये देखो ये चोले बने हुए इनके, ये जो औरतें पहनती थी पहले, और ये हाथों में ये जो चूड़े पहने जाते थे ये भी यहाँ रखे गए हैं, ये काजा वगैरह। तो ये देखिए जो पुरानी पुरानी चीज़ें हैं इसमें रखे गए हैं ताकि ये यादगिरी दोबारा यादगार हो जाए इस वजह से। तो ये चोला